हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं कर रही हूँ अभी मेरा ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे सुबह जाना है शॉप पर, क्योंकि ज़्यादा सुबह सुबह मेरे 2-3 ऑर्डर्स थे और मैं थोड़ी लेट भी हो गई हूँ, क्योंकि दवाई वगैरह लेने के चक्कर में और उठी और ब्रश वगैरह किया, नहाना तो बाकी है। एक बार बिगड़ना है चले जाती हूँ शॉप पे, क्लाइंट्स को अटेंड करके फिर वापस आऊँगी। Stay low key, I'll cast no breaks, baby. Let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what is gonna be, baby? Squad up. 3 hair makeups करके अभी मैं just free हुई हूँ। अब जाऊँगी घर पर, सारा ऐसे कैसे कुछ छोड़ के जा रही हूँ। ज्योति संभालेगी आकर और मेरा नहाना वगैरह सब बाकी है। और 10 बज गई हैं, खाना भी जल्दी से जाके बनाना है और लेट भी हो ही गई हूँ। मैं वेट कर रही हूँ घर जाने का और मेरे को लेके जाने वाला काम कर रहा है। अभी हो रही है मामाअर्थ की लिस्टिंग, तो इसीलिए मामाअर्थ की लिस्टिंग जैसे ही होती है फिर जाएंगे हम घर पे। और पोछा लग रहा है इसलिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है। कितनी बाकी है, कितनी देर है? घर पे आ गई हूँ और आज मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। सो फटाफट से बेडशीट निकालती हूँ और चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। बेडशीट चेंज कर दी है, अब रूम में लगा देती हूँ झाड़ू। मम्मी ने घर में झाड़ू लगा दिया है, काम वाली का फिर से हमारा प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा। हमारे घर में थोड़ी लग्जरी काम वाली आ गई थी। लग्जरी काम वाली आ गई, लग्जरी काम वाली आ गई थी, सो उनको कर दिया है हमने बंद। तो अभी और सर्चिंग चली रही है, अभी तक तो हम ही हैं काम वाले, तो अभी हम काम कर रहे हैं। खाना बन गया है और सिर्फ रोटी बनानी बाकी है। और खाने में आज बना है लीलवे चने की दाल, क्योंकि ये दाल तो अपन को आती नहीं है तो मम्मी ने ही बनाई है। एक तरफ हो रहे हैं चावल, सिर्फ बनानी है अब रोटी। तो मैं नहा लेती हूँ, जल्दी से हो जाती हूँ रेडी और फिर रोटी बना के फिर अपन चलेंगे दुकान। बाल कर दिया ट्राय, क्योंकि अभी बनानी है रोटी, तो रोटी बना देती हूँ और खाने पे मिलते हैं सीधे। ये हमारा आज का खाना, साथ में थोड़ी सी प्याज, ये लीलवे चने की दाल, रोटी। और अभी पापा तो खाना खा के चले गए, चिकू का वेट हो रहा है। चिकू को थोड़ी कम पाती है इसलिए सब नमकीन की सब व्यवस्था कम्प्लीट रखी है। मम्मी बेचारे मेहनत करके बनाए थे कि बाहर बाहर जाए तो बढ़िया। स्टैंड तो अभी जस्ट क्लीन किया है, अभी ये बर्तन है, बर्तन कर देते हैं, क्योंकि काम वाली अभी तक हमारे सेट नहीं हुई है। अब आज तो कर ही देंगे फाइनल जो भी काम वाली हो, और फिर जाएंगे दुकान। किचन हो गया है कम्प्लीट क्लीन, बर्तन भी धुल चुके हैं, ये एरिया भी कम्प्लीट क्लीन कर दिया है। थोड़ा बहुत पानी गिरा है, पोछा को मालूम नहीं मैं यहाँ पे। मैं शॉप के लिए निकल गई थी पर चिकू थोड़े 5 मिनट उनको लगेंगे, क्योंकि गोल्ड वाली शॉप पर कस्टमर है। सो इसीलिए तो 5 मिनट यहाँ बैठते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं और थोड़ा फ़ोन चलाते हैं। कार्ड कटा के पूरे 2 सीरियल मैंने देख लिए हैं और चिकू अभी जस्ट आए हैं, तो हम जा रहे हैं अब शॉप पे। मैं तो बहुत लेट हो गई इनकी शॉप के चक्कर में, मेरी शॉप का नुकसान कर रही थी मैं। आ जाएगी एंटॉर्क, एंटॉर्क आ जाएगी आज? ओके, ये गाड़ी गंदी हो गई, साफ करो। अभी जस्ट आई हूँ शॉप पे और शुगर के जो टेस्टर्स है वो आ गए, जो अभी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है उनके। और ये चिकू के बाल पीछे से ऐसे हो गए, बार बार देख रही गाड़ी को। तो फ्रेंड्स, मैं है ना अंदर सैलून में आके आज काम करी थी वैक्सेस का, क्योंकि ये जो वैक्स है वो इस टाइप से सारी जो बची कुची थी थोड़ी थोड़ी मैंने एक में कर दी है, क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनल रेंज के बॉक्सेस आते हैं बड़े बड़े, वो नीचे लास्ट तक होते हैं तो फिर ले नहीं जाते, तो सारे थोड़ा थोड़ा जो भी बचा हुआ था वो एक में कर दिया है। तो अभी इसको और हीट करके हाफ ऑफ कर देती हूँ ताकि ढुलना पाए। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सैलून का सबसे ज़्यादा हेक्टिक काम, जो कि है वैक्स हीटर्स को क्लीन करना। आप वैक्स हीटर की हालत कुछ देख सकते हो, इस प्रकार है पूरी। मैंने इसमें जो वैक्स थी वो सारी अभी निकाली है उसमें, और ये इस डब्बे को किया है एम्प्टी, और इधर से मैंने इस वैक्स हीटर से इसमें ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि इस वैक्स हीटर को क्लीन करना है। वैक्स हीटर में डबल डबल रखती हूँ, क्योंकि अगर एक वैक्स हीटर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो दूसरा, क्योंकि मैं थोड़ी यानी
क्लीननेस के मामले में थोड़ा ज़्यादा ही केयर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर ये गंदा होगा तो फ्लोर भी गंदा होगा। तो अभी इसको कर रही हूँ क्लीन, तो आप देखो कैसे कैसे मैं इसको क्लीन करती हूँ। मैंने कैसे सारे क्लीन किए वो दिखा देती हूँ। एक बार मेरा ट्राइपॉड है वो थोड़ा सही कर दूँ, और टाइम लैप्स जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया होगा, क्योंकि क्या पता जो क्या होता है प्लस माइनस का कुछ है वो ज़्यादा ही माइनस हो गया था। तो ये मैंने पूरा ये वैक्स वाला सही किया, और लास्ट में इसमें रखते रखते ये थोड़ा सा डुल गया, थोड़ा सा कपड़ों पे चला गया इधर, और चिपचिप हो रहा है पूरा। और इस पर ये वाला वैक्स इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको अब क्लीन करने के लिए साइड में रख देते हैं। अब ये सब जम रहे हैं एक एक करके इधर, और इधर जो वाइट वाला था वो निकाल दिया है, इस जगह पर दूसरा लगाऊंगी। तो भी कितना क्लीन हो गया आप देख सकते हो, बाकी इसकी हालत कितनी ज़्यादा बुरी थी। क्या यार सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, कल ज्योति को बोलूँगी सारा सही रह गया, शैम्पूस तो कितने पीछे पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर सारे जो भी वॉशिंग के रुमाल वगैरह निकले हैं वो आज ले जाने हैं धोने के लिए, और ये बेडशीट भी निकाल देती हूँ, ये भी धोने में जाने वाली है, काफ़ी गंदी हो गई है बेडशीट भी, तो इसको भी धोने के लिए ले जाते हैं। आज का तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैं थक भी बहुत गई हूँ। ज्योति तो गई उसके घर पर, क्योंकि उसके घर पे आने वाले के थे गेस्ट, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। और काम में काम इतना बढ़िया, वैक्स नीचे ढूल गई सारी सही की, और ये कपड़ों पे तो चिपकी हुई वो इतनी इरिटेट कर रही है ना। मैंने आज लिपस्टिक जो न्यू लगाई है वो हमारे पास न्यू कलेक्शन आया है लिपस्टिक का, मैं आपको बताऊँगी। नथिंग एल्स मैटर की ये लॉन्ग वेयर लिपस्टिक, बट इसका शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे डार्क शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि मैं लिपस्टिक के ज़्यादातर डार्क शेड ही लगाती हूँ, यार पसंद होती है सबकी अपनी अपनी, मेरी भी तो है। अब चलती हूँ घर के लिए, क्योंकि 6:30 भी हो गई हैं, क्लोजिंग भी कर देती हूँ। स्विचेस कोई ऑन तो नहीं है, वो भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो रोज चेक करके ही जानी पड़ती है। अभी रुमाल नहीं निकाले हैं, भूलूँ नहीं तो बढ़िया, क्योंकि मेरे तो भूल जाने की आदत है। कैमरा रख के आऊँगी फिर ये लेने आ पाऊँगी, कितना सब एक साथ नहीं पकड़ाएगा। मैं आ गई हूँ आगे वाली शॉप पे, अब चिकू का करती हूँ थोड़ी देर वेट, और फिर जाती हूँ घर पे। और बहुत ज़्यादा आज थक गई यार ये वैक्स वैक्स के चक्कर में। मैं आ गई हूँ घर, और अब घर पर आकर वही रोज की परेशानी, खाना क्या बनाना। अब चिकू से पूछती हूँ क्या खाना बनाना है, फिर डिसाइड करके फिर खाना बनाती हूँ। अब जो भी डिसाइड होता है वो बताती हूँ। अभी आ गई हूँ मैं घर पे, और सब ये सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, तो सब्जियाँ लाई पाव भाजी के लिए। पाव भाजी बन रही है, और ये सारी चीज़ें चिकू लेके आए पहले, ये बटर, ये बीना दीदी, शिवा दीदी, बिना दीदी पता चल जाएगा ब्लॉग में बच्चे को डांट रहे हो तुम। शिवा दीदी टके कैमरा ही बंद कर दिया। अरे मैं पागल जैसी लग रही हूँ। अच्छा आपको पता है आप पागल हो यूं। तो अभी पाव भाजी की तैयारी करते हैं, और साथ ही साथ बात भी हो रही है, तो आप सारा सामान देख सकते हो कैसे बिखरा हुआ है। कंप्लीट पाव भाजी का मसाला हो गया है बन के तैयार, और अब एक तरफ सब्जियों का कुकर का सीटी निकल रहा है, चिकू एक तरफ पाव तैयार कर रहे हैं, और ये आलू जो एक्स्ट्रा है वो उसका सही रख देती हूँ, स्टैंड कर देती हूँ क्लीन, ताकि काम थोड़ा कम लगे हमको। पाव यहाँ पर धमाधम सेके जा रहे हैं, और ये देखिए पाव क्या क्रंची क्रंची करे हुए हैं। तो पापा को मैं सर्व कर देती हूँ, पापा की प्लेट हो गई है यहाँ पर रेडी। तो पाव जी देख के खाने का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर खाने का हो रहा है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। एकदम तड़का ये है मेरी प्लेट, और मैं भी खाना खा लेती हूँ। खाना खा के मैंने किचन कर दिया है क्लीन, बर्तन तो मैंने रहने दिए क्योंकि कल करूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह ही क्लीन करूँगी एक साथ। अगर आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में।